खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज दिनांक 6 मार्च 2021 को सुल्तानपुर में भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जबकि यहां के सांसद मेनका गांधी हैं और भ्रष्टाचार का नाम सुनते ही वो एक्शन मोड में आ जाती है। बावजूद इसके उनके संसदीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति के 5 छात्रों की छात्रवृत्ति के नाम बगैर उन्हें प्रशिक्षण दिए 143.60 लाख रुपए गबन कर लिया गया और औपचारिकता के नाम पर मुकदमा तो 3 महीने पहले दर्ज हुआ, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। बताते चले कि पूरा मामला नेशनल हाईवे 56 के अमहट एयरपोर्ट पर सरस्वती एविएशन अकेडमी एयरफील्ड नामक संस्था अमहट में स्थापित है। उक्त संस्थान में CPL पाठ्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 5 छात्रों ने प्रवेश लिया था। जिला समाज कल्याण अधिकारी के आरोप के अनुसार इन छात्रों को ट्रेनिंग नहीं दिलाकर उनके नाम पर 28,72,000 की दर से सरकारी धन हड़प लिया गया। तो वहीं इस मामले में समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ के अधिकारियों ने एक पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी को इस आशय के साथ लिखा कि तत्काल प्रभाव से संस्था के विरुद्ध FIR दर्ज कराएं। मामले में समाज कल्याण अधिकारी ने 22 नवंबर को तत्कालीन SP के नाम एक पत्र FIR दर्ज कराने के लिए लिखा। इस पत्र के आधार पर 23 नवंबर 2020 को कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज हो गया। चार्जशीट की अवधि भी गुजर गई, लेकिन अभी तक 28,72,000 की दर से 143.60 लाख रुपए सरकारी धन का गबन करने वाला आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सका। इस बाबत जब DM रवीश कुमार गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उसमें शासन के निर्देशों पर ही FIR दर्ज कराई गई थी, विवेचना चल रही थी, विवेचना समाप्त होने पर जो परिणाम आएगा तो शीघ्र ही उससे अवगत कराएंगे। बताते चले कि इस बाबत जब हमारी टीम इसकी पड़ताल करने निकली और हम जब पहुंचे अमहट एयरपोर्ट तो हमने देखा कि वहां एयरपोर्ट के नाम पर एक गेट लगा है और जिस एविएशन को ये एयरपोर्ट सौंपा गया है, या यूं कहें जिस एविएशन के नाम पर यहां प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है, तो संस्था का कहीं नाम भी नहीं दर्ज है और कागजों पर सरस्वती एविएशन अकेडमी ने नाम पर यहां पायलट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। जब हमने वहां मौजूद स्टाफ से बात की तो देशराज ट्रेनर पायलट और अरविंद यादव नाम के 2 व्यक्ति मिले। जब हमने उनसे जानने का ये प्रयास किया कि यहां पर किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उनका व्यवहार ठीक नहीं था और उन दोनों लोगों ने कुछ भी बताने से इनकार किया और कैमरे के सामने आने से बचते रहे और स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप अपना कैमरा और माइक बंद करें, इसके बाद ही कुछ बात की जाएगी। गौरतलब हो कि जब हमने उनसे FIR का जिक्र किया और ये जानने का प्रयास किया कि क्या यहाँ उन छात्रों को ट्रेनिंग दी गई है, तो उन्होंने बताया कि वो छात्र ट्रेनिंग के लायक थे ही नहीं। जब हमने उनसे पूछा कि आपको इस बात का कब एहसास हुआ, वो बच्चे जिनके नाम पर प्रति छात्र 28,72,000 की दर से 1,43,60,000 रुपए की छात्रवृत्ति सरस्वती एविएशन एकेडमी के नाम पर जारी की गई थी और आपको उन छात्रों को ट्रेनिंग देकर पायलट बनाने का कार्य सौंपा गया था और आप यहां के ट्रेनर हो और अपने आप को पायलट भी बता रखे हो, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि ये सब फर्जी बातें हैं और हम आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। वहीं जब हमने अरविंद यादव से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूँ, आपके किसी भी बात का उत्तर नहीं दे सकता। इससे एक बात तो यह स्पष्ट हो गई कि ये दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं और इनको हर बात की जानकारी है, लेकिन गबन का बड़ा मामला है, इसीलिए कुछ भी कहने से बच रहे हैं। बताते चले कि इसके बाबत जब हमारी टीम इसकी पड़ताल करने निकली और हम जब पहुंचे अमहट एयरपोर्ट तो हमने देखा कि वहां एयरपोर्ट के नाम पर एक गेट लगा है और जिस एविएशन को ये एयरपोर्ट सौंपा गया है, या यूं कहें कि जिस एविएशन के नाम पर यहां प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है, तो संस्था का कहीं भी नाम दर्ज नहीं है और कागजों पर सरस्वती एविएशन अकेडमी के नाम पर यहां पायलट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। जब हमने वहां मौजूद स्टाफ से बात की तो देशराज ट्रेनर पायलट और अरविंद यादव नाम के 2 व्यक्ति मिले। जब हमने उनसे ये जानने की
कोशिश की कि यहाँ पर किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उनका व्यवहार ठीक नहीं था और उन दोनों लोगों ने कुछ भी बताने से इनकार किया और कैमरे के सामने आने से बचते रहे और स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप अपना कैमरा और माइक बंद करें, इसके बाद ही कुछ बात की जाएगी। सर 23/11/2020 को सरस्वती अकेडमी एविशन अकेडमी के नाम से एफ आई आर हुई थी, जिसमें उन्होंने 2 करोड़ रुपया गबन कर लिया था छात्रवृत्ति के नाम पर। सर उसमें क्या चल रहा है, क्या हुआ और आगे क्या क्या कार्रवाई हो रही है सर? उसमें अवगत कराया गया तो जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा इसमें शासन के निर्देशों पर ही एफ आई आर दर्ज कराई गई जी। वर्तमान में जब तक पता किया गया तो विवेचनाधीन देखते हैं, बहुत शीघ्र विवेचना समाप्त होने पर जो परिणाम आएगा उसके अनुसार फिर आगे कार्रवाई। थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत सरस्वती एविएशन एकेडमी के विरुद्ध जिला समाज कल्याण अधिकारी की तहरीर के आधार पर एक मुकदमा अपराध संख्या 1182/20 धारा 409 का पंजीकृत हुआ है, जिसकी विवेचना और जो जांच की कार्रवाई है, जो कि उसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है, वो थाना स्थानीय पर विवेचक के द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। जो भी शीघ्र विधि कार्रवाई है वो प्रक्रिया के तहत सुनिश्चित की जा रही है। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।